गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत है तहे दिल से। चलो शुरू करती हूँ मजेदार सी रेसिपी। आज की नई और शानदार सी रेसिपी आप लोग ध्यान से देखिए, एक नहीं दो दो बनाऊंगी, दो दो बनाएंगे। देखिए आप लोग ध्यान से, आप लोगों के यहाँ पापड़ तो बनते ही होंगे ना फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए। एक लोई लेंगे, एक लोई से दो लोई करेंगे, छोटी छोटी सी, एकदम छोटी सी, जैसे आप लोग पूड़िया बनाते हैं ना छोटी छोटी, वैसे जैसे पूजा पाठ में बनाते हैं वैसे ही कर लीजिएगा छोटी छोटी। एक बेलन लेंगे और सूखा हुआ आटा इस पे थोड़ा सा ऐड करेंगे और बेल देंगे बहुत अच्छे से, है ना फ्रेंड्स। सेम इसी प्रोसेस, भाई दो दो रेसिपी बताने वाली हूँ, एक नहीं दो दो रेसिपी, और वो भी बहुत मस्त शानदार सी, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी। बस आप लोग वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा। बढ़िया बेल लेंगे गोल गोल सर्कल शेप में। जब तक मैं इसे बेल रही हूँ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारी सी फैमिली के साथ इसे शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी लोग सीख पाए मेरी रेसिपी, है ना फ्रेंड्स। प्यारी प्यारी फैमिली, बढ़िया सारे देखिए पापड़ मेरे बेल के रेडी हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत मस्त लगती है। ये देखिए मेरी आटा है, वो भी मीठा हुआ, जिसकी मीठी पूड़ी बनती है ना, वो मैं बनाने वाली हूँ आज आंसे। आपको पता है सकर चौथ माता में उसकी पूजा होती है, तो मैं इसीलिए बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर कर लूँ, है ना फ्रेंड्स। वीडियो मेरा शूट हो जाएगा और मेरा पूजा का सामान भी बन जाएगा, मेरी रेसिपी भी बन जाएगी बहुत अच्छे से। तो इसको प्रेस करते हुए, थपथपाते हुए बढ़िया गादी पे बना लेंगे। देखिए एक बन के रेडी है, दूसरी भी सेम इसी प्रोसेस कर लेंगे। अगर आप लोगों को फुल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, ये आंसे का फुल वीडियो पड़ा हुआ है, उसे गूंथते हुए और इसका जो है आटा गूंथते हुए और चीनी घोलते हुए सब पूरा वीडियो फुल है, अगर चाहिए तो चले जाना, है ना फ्रेंड्स। अब देखिए मेरी आंसे बन के रेडी है ढेर सारी, कितनी अच्छी लग रही है ना, मुझे भाई बहुत मस्त लगती हैं। अब एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में ऐड किए हैं तेल, तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसी में अपने ऐड कर देंगे प्यारी सी आंसे, वो भी मेरी भाई पूजा की है सकर चौथ माता की। किसके किसके घर पे सकर चौथ माता की पूजा होता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सच में यार बहुत अच्छा पूजा होता है, वो भी आपको पता ही होगा लड़कों के लिए होता है, है ना फ्रेंड्स। हाँ तो आप लोग अपने घर पे प्यार से बनाइए, प्यारी सी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत मस्त लगती हैं मीठी आंसे। अब इसे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, अच्छे से बलिया पलट दीजिए, बहुत अच्छे से पलट दीजिए इसे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, लाल होने तक पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन। देखिए सारी पलट देंगे सेम इसी प्रोसेस सारी। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो और कर लीजिएगा, मुझे भाई ऐसे ही पसंद है तो मैं पलट दूंगी, उलट पलट के बहुत अच्छे से पका लूंगी, है ना फ्रेंड्स। ऐसे आप एक एक करके सारी निकाल लेंगे, बहुत अच्छे से पक गई हैं, देखिए कितनी मस्त लगती हैं। पूरा किचन मेरा महक रहा, इतनी खुशबू आ रही है मेरे किचन में, क्योंकि भाई आंसे और पापड़ और बहुत सारी सामग्री बन रही है, बस वीडियो नहीं दिखा रही आप लोगों को। कचौड़ी चौड़ी बहुत चीज है फ्रेंड्स। अब बढ़िया सेम इसी प्रोसेस अपनी वही पापड़ तल लेंगे, या पूड़ी कहिए या फिर पापड़, क्योंकि पतली चीज होती है उसे पापड़ बोलते हैं ना फ्रेंड्स, तो मेरे पापड़ हैं भाई। अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, देखिए पूड़ी नहीं है, देखिए एकदम फूल नहीं रही है गुब्बारे की, जैसे मैं अपने वीडियो में बोलती रहती हूँ एकदम गुब्बारे की तरह मेरी पूड़ी फूल के रेडी है, तो नहीं दोस्तों आज नहीं फूलने वाली है मेरी पूड़ी, क्योंकि ये पूड़ी तो है ही नहीं, ये पापड़ है फ्रेंड्स, तो कैसे फूलेंगे। एक एक करके बढ़िया अच्छे से निकाल लेंगे।
अगर आपका कुछ मन नहीं कर रहा खाने का तो आप लोग पापड़ बनाइए अपने घर पे और बढ़िया खाइए, बहुत मस्त लगते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और टेस्टी होते हैं, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बने होते हैं। क्योंकि आप सभी के घर पे किचन में आसानी से गेहूं का आटा मिल जाता है, तो आप लोग अपने घर पे पापड़ बनाइए और खाइए। देखिए सारे बन के रेडी हैं पापड़ और आंसे मेरी, है ना फ्रेंड्स। आप लोग एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट में बताइएगा कैसी बनी थी, है ना फ्रेंड्स। सच में बहुत जल्दी जल्दी से बन जाते हैं झटापट पापड़ और आंसे। आप लोगों के साथ दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर फुल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, फुल वीडियो पड़ा हुआ है ना फ्रेंड्स। एक बार बना के जरूर ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट में बताइएगा कैसी बनी थी। सच में बहुत सुपर है, डुपर है, परफेक्ट बनी है। हमेशा की तरह सिर्फ तीन चीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।